तो मतलब मैं तंदूर बनाने का सामान लेने जाऊं? नहीं, मैं इसी तंदूर पे रोटी बना देती हूँ, बहू जी खाएंगे, उन्हें अगर पसंद आ गई तो कह देंगे इलेक्ट्रिक तंदूर की है। क्या बात है भाई, हस्बैंड का बाहर अफेयर होने के बाद लेडीज कितने पैसे ऐसे वेस्ट कर देती है, यू नो, डिटेक्टिव पे, पार्लर में, मेरा कोर्स करने के बाद ये सब बिल्कुल नहीं करना पड़ता। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू उसकी यहाँ से छुट्टी कर दे, न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ माँ, देखता हूँ, लेकिन आप एक बार बाबूजी से जरूर मिल लो, उन्हें अच्छा लगेगा, बहुत जिंदा दिल आदमी है, और फिर इसी बहाने आप दोनों में कुछ बातें होंगी और आप दोनों का मन बहल जाएगा। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मिल लूंगी, पर हाँ, मैं वहां उनके घर नहीं जाऊंगी, तू उनसे कहना कि वो ही यहाँ आ जाए तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है माँ, मैं ढिलन साहब से बात कर लूंगा, तुम बैठो, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। सतीश बाबू आया पड़ा, कैंसर से डरा रहा था मुझे। गुमसुम 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 रहते हो क्यों, इतना बता दो हमको सनम, इतना बता दो हमको सनम। गुमसुम, दरवाजे की घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्यों गुमसुम 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 रहते हो क्यों, इतना बता दो हम। बहरे ही हो गए हो क्या? क्या दरवाजे की घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे यार, मैं अपनी धुन में मगन था, अब तुमने तो सुन ली ना घंटी। मेरा यही काम रह गया है, अब घंटी बजते ही दौड़ती हुई उस कोने से आओ और मैं ही जाके दरवाजा खोलू, है ना? ओहो, तो कौन सी 21 कमरों की हवेली में रह रही हो कि बैल बजते ही चौथी मंजिल से भाग कर आना पड़े? खुद के तो पैर तक नहीं हिलते हैं, छाती पे दरवाजा है लेकिन हिलेंगे तक नहीं। सुनाई दी ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, कोई बहरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सुनाई देना बंद हो जाए तो तुम्हारी चीखों से तो निजात मिले। सपना ही रहेगा ये। अरे यार, अब खोल भी दो, नहीं तो बाहर वाला खुद कुछ कर ले। गुमसुम 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 रहते हो क्यों, इतना बता दो हम। आई बोरे भाई, अरे हद करते ही, हद करते ही, एक घंटा तक घंटी बजा रहे, तू सुनना रहो, भाभी जी का सोए गई थी का? बोरे भाई, मैं तो अंदर थी, यही बजाते पीटते सो गए होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा था यार, मैं अपनी धुन बना रहा था भाई। बोरे भाई, उम्र हो गई है इनकी, कानों ने जवाब दे दिया है बस। ये बात ना है हती की, वो कहा है कि कभू कभार वो शब्द कर्म के चक्कर में कान झप पे गया है, और बात ने एक काम, वो अंडी को तेल डाल दे। अंडी को तेल? अब वो अरंडी गरम करके और कान में उड़ेल दो, जिनके एकदम खुल जाएंगे। अच्छा, अरंडी का तेल? हाँ, हाँ। बात ने कहा है कि वो एक नंबर की चीज है, बस अगर सुई गिर जाए ना तो सुई की आवाज बातें सुनाई पड़ जाएगी, इतना असर करती है। तब तो बोरे भाई, 2-4 किलो ला दीजिए, सारा इनके कान में उड़ेल दूंगी। ओ, माफी कर दीजिए हुजूरे वाला, अरे यार कह तो नहीं कि मैं धुन बना रहा था, अब तुम दोनों तो हाथ धो के मेरे कान के पीछे पड़ गए। अरे भाई, अरंडी का तेल छोड़ो, चाय वाय पिलाओ। हाँ हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, चाय वाय रहा, चाय वाय रहा, एक काम करो, गुलाब को शरबत ले आओ, एकदम झमाझम हो जाएगा मामला, बस भाई ले आओ। हाँ बोरे भाई, अभी लेके आए। बोरे हाँ यार, यहाँ बैठ बैठ तो सही, जरा देख अपनी फिल्म के लिए एकदम नई कंपोजिशन तैयार हो रही है, लेकिन सुन। अरे जो तुझे कंपोजिशन कंपोजिशन छोड़ यार, सुन, बे आ गई है। अब कौन आ गई है? डॉली मॉली। डॉली मॉली? अरे धीर धीर रहने का, धीरे बोल। कहा बे, मुन्ना मास्टर की छोरियां बताई थी ना तुए? अ
अरे अच्छा अच्छा हाँ हाँ, वो दिमाग से उतर गई थी यार मेरे तो वो यहाँ आ गई है। हाँ आई गई, स्टेशन पे बैठी है मुंबई सेंट्रल पे। तो मुंबई सेंट्रल पे काय को बैठी है भाई? अरे मेरा इंतजार कर रही है। और कहा? अच्छा केरे इंतजार कर रही है क्यों? अरे मैंने ही तो उनसे कही थी काम दे दे चले। अब वो कहा पता हो कि इतनी जल्दी रेलगाड़ी पकड़ेंगी, उतरन से चली आई। अब क्या करूं? अरे तो भैया जब ओखले में सर दे दियो है तो फिर मूसलों से का डर रो है? अब जे तू मूसल ऊसर छोड़, अब जे बता कि बिन के ना रुकने के ना का करे? का करे मतलब? अरे भैया तूने बुलाया है तो कछु ना कछु सोच के ही तो बुलाया होगा उनको है? किसी ने कही थी फटे में पांव डालने की? अब देख तुझे चिरौरी मत कर। हाँ मेरी इज्जत को सवाल है, कछु करना? इज्जत को सवाल है तो बेटा होटल में रुका भी रहा। होटल? होटल तो बहुत महंगे होंगे। अरे तो तू का चाह रहा है कि मैं उन्हें अपने घर में रख लूं? देख अगर कछु कर सके तो देख ले। अरे ना 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 भाई, ये काम तो मेरे फरिश्ते भी ना कर सके। देख ले नरीना नाम है इसको, मेरे को घर से निकाल देगी। तो तू बता के अब मैं क्या करूं? एक सबसे सस्ता होटल है होटल सिटी एंड एंड। कहाँ है जी? अरे वो वहाँ वो गोपी गली जहाँ खत्म होता है ना बिल्कुल एंड में, वहाँ है। इतनी दूर? अरे पर तेरी मुंबई सेंट्रल से तो करीब ही है। बाको नंबर है तेरे पास? पर हाँ नंबर तो है। अच्छा छोड़, एक काम करिए तू एसएमएस कर, अब मैं जा रहा हूँ। भैया तेरो शरबत। भैया जिस शरबत अरबत को छोड़, यहाँ मेरी तो जो है छाछ मिल रही है एकदम न्यू न्यू करके। अब तू कह रहा शरबत, मैं जा रहा हूँ। चलो जी जफर मियां, पैड और पेन निकालो और आज गाना पूरा कर ही डालो। मेरे बाबूजी शायरी लिख रहे ने। शायरी मैं क्यों लिखूंगा पुत्र, शायर तो तू है। ओ नहीं बाबूजी, मैं क्या, आप इतनी कंसंट्रेशन के साथ लिख रहे थे तो मैं क्या शायरी लिख रहे होंगे? ओ हद है, शायरी के अलावा किसी और काम में कंसंट्रेशन नहीं लग सकती। हाँ हाँ बाबूजी क्यों नहीं, जैसे स्टोरी लिखने में। चिट्ठी नहीं लिख सकते? चिट्ठी? चिट्ठी क्यों? नहीं मेरे कहने का मतलब बाबू जी, अजकल मोबाइल के जमाने विच व्हाट्सएप के जमाने विच चिट्ठी कौन लिखता है? ओए तू नहीं समझेगा बख्शे, चिट्ठियां लिखना ते चिट्ठियां पढ़ना इनका असली स्वाद तो हमारे दौर के लोगों ने लिया है। और तुम्हारे मोबाइल पे जो बातें नहीं कही जा सकती ना, वो चिट्ठियों में आसानी से लिख दी जाती हैं। ओहो हो, चिट्ठियों का इंतजार, की स्वाद थी की दसा तेनू गुरबख्शे, तू नहीं समझेगा। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारे टाइम में भी तो चिट्ठियां लिखी जाती थी, और आप बताओ मैं भी तो आपको चिट्ठी लिखता था, है ना? हाँ पुत्र, तेरी वो चिट्ठियां ना मैं आज भी मिस करता हूँ। बाबूजी अब तो चिट्ठी की जरूरत ही नहीं, हम साथ जो है। हाँ हाँ लोड भी की है, जरूरत क्या है, वैसे भी तुझे जो कहना होता है तू कह ही देता है। नहीं बाबूजी तुसी ना टोट मार रहे हो, मैं तो चंगी तरह पता है। की पता है? वो सिमी वाले केस पीछे ना तुसी टोट कस रहे हो। ओ नहीं यार, वो तो एक बात है, लेकिन पता नहीं ऐसी कितनी बातें होंगी जो तुम उससे छुपाता है। बाबूजी हम तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाते, वो सब कुछ बताते हैं आपको। चल ठीक है मान लिया। अच्छा भाजी एक बात तो बताओ, ये आप चिट्ठी लिख किसको रहे हो? क्यों मैं तेनू क्यों दसा, ये मेरा पर्सनल मामला है यूसी। आई नो। अच्छा भाजी मैं आपको एक बात बताना चाहता था। हाँ बोल। भाजी अपने जोशी साहब है ना? हाँ वो प्रोफेसर साहब। हाँ भाजी, भाजी उनकी माता जी ने आपको याद किया है। मैनू क्यों याद कर रही थी, मैं तो उनको मिला भी नहीं हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, वो आपको मिलना चाह रहे हैं। मेरे को क्यों? बाबूजी गल की है, जो उनकी माताजी है ना वो रहती थी मेरठ में, और अभी भी आए हैं वो मुंबई में।
अब क्या है बाऊजी, उनके साथ कोई गलबात करने वाला तो है नहीं। प्रोफेसर साहब चल जाते हैं यूनिवर्सिटी और साडे भाभी जी बिजी रहते हैं क्लासेस में। अब क्या है, बेचारी सारा दिन घर में अकेले ना। समझ गया समझ गया। की समझ गए बाऊजी? ओ बिल्कुल मेरे वर्गी हालत है। तोड़े वर्गी? और क्या, और मैं भी तो बोर होता रहता हूँ ना सारे दिन। तू अपने काम में बिजी हो जाता है, सिमी बाहर चली जाती है, प्रीतु है ना सारा दिन बेचारी घर के काम में लगी रहती है। ओ चलो अच्छा हुआ मुझे कोई तो कंपनी मिलेगी। तू एड्रेस दस। ओ भौजी की लोड पई है, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा। क्यों, मैं कोई निक्का सा बच्चा हूँ जिसको तू उंगली पकड़ के सर्कल सिखाने ले जाएगा? नहीं भौजी, मेरा वो मतलब नहीं सी। फिर मतलब? सॉरी भौजी, तुसी एड्रेस लिखो। हाँ दसो भौजी। लिखो 302 302 ज्योति अपार्टमेंट, ज्योति अपार्टमेंट, वर्सोवा लिंक रोड। वर्सोवा लिंक रोड? वो तो यही है ना कोली, उस दिन मैं पछता हुआ गया था। लेकिन बाऊजी आजकल गर्मी बहुत है, तो आप ना गड्डी लेके जाना जरूर, एसी वाली। अच्छा ठीक है, वो मैं देख लूंगा। अभी तू जा, अब मुझे चिट्ठी पूरी करने दे। चंगा बाऊजी, तुसी कर लो। हाँ लिख रहा सी मैं, नाराज हो तो भी आप ऐसे। ठीक है, पहले दिन से गुमसुम 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 रहते हो क्यों, इतना बता दो हमको सनम। अरे ये तो हो गया, अब अंतरा होना चाहिए ना। गुमसुम 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 मतलब कुछ बोल नहीं रहा है ना, तो हाँ बोलो जी बोलो। हैं बोलो जी बोलो, अजी कुछ तो बोलो, अजी कुछ तो बोलो, भेद जिया का भेद जिया का, जरा हम पे खोलो। बोलो खोलो, कैसा रजीफ काफिया है। बोरे भाई कहाँ गए? बोरे? अरे उसे एक अर्जेंट काम याद आ गया, वो चला गया। ऐसा भी क्या काम, हद है। अरे एक नंबर का भुलक्कड़ है ये बोले भी। हाँ आज उसकी कहीं मीटिंग थी, अब वो मीटिंग भूल गया, यहाँ चला आया। यहाँ चला आया तो एक फोन आया, अरे साहब हम तो यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग में, और आप तो यहाँ से मीटिंग से गायब है, तो फिर यहाँ से निकल के भागा। ऐसा ही मीटिंग ही थी ना। हाँ क्यों, ये डॉली मॉली कौन है? डॉली मॉली जो है वो हमारे आगरा के जो मास्टर मुन्ना है उनकी दोनों लड़कियां हैं। दोनों लड़कियां हैं है? एक छोटी बहन है एक बड़ी बहन है, और वो बड़ी होनहार है, और अभी तो लंदन में बल्कि ये परफॉर्मेंस भी लेकर के आई है डॉली मॉली। और ये होटल सिटी एंड का क्या चक्कर है? होटल सिटी एंड मुझे क्या पता। देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैंने पूरा सुन लिया है। अरे यार तुम ये क्या करती हो, तुम ये चुपके चुपके हमारी जासूसी करती हो। देखो छुप छुप के किसी की बातें सुनना गुनाह अजीम है। और चुपके चुपके छुप छुप के बातें करना भी गुनाह है। कुछ तो है जो आप दोनों इतने घबराए हुए हो, देखो सच सच बता दो, वरना 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 क्या, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, सोच लो। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है यार जरीना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई ये जो ये क्या नाम इसका बोरे, इसने क्या किया है कि डॉली मॉली को जो है ना अपनी फिल्म में काम देने के लिए बुला लिया, अब ये जल्दी आ गई तो इनके रहने की परेशानी हो गई, तो हमने मैंने सजेस्ट कर दिया कि जाइए भाई होटल सिटी एंड में इनको ठहरा दो। अच्छा तो इसमें इतना छिपाने और डरने वाली क्या बात थी? अरे तो भैया हमने कब छिपाया है, तुमने जैसे ही पूछा वैसे ही मैंने बता दिया। देखो यार अभी बात कान खोल कर सुन लो, तुम ना खामखा का शक कर रही हो। तो मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो होटल सिटी एंड की जानिब गए तो अपनी टांगों की सलामती के बारे में सोच लेना। सुनो तो, अरे भाई ये शरबत तो देती जाओ। आप तो रहने ही दो, कोई मेहमान नहीं हो। अरे कमाल है, कमाल है यार, क्या घर वाला शरबत नहीं पी सकता? पी सकता है लेकिन आप नहीं।
क्योंकि आपका गला खराब हो जाएगा तो जो रही सही कमाई है उससे भी जाते रहोगे। एक टाइम पे तो मुझे कहते थे कि मेरे पे करोड़ों खर्च कर दो, पर अब 7,000 भी ज्यादा लग रहे। ऐसे कब कहा मैंने? पैसों की बात आती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। कुछ नहीं है, मैसेज पढ़ रहा हूँ। आजकल काफी मैसेज आते हैं आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह एक मैसेज आया था वही पढ़ रहा हूँ। सुबह का मैसेज अभी पढ़ रहे हो आप? सुबह से मैं क्लिनिक में था, काफी बिजी था, अब थोड़ा वक्त मिला है इसलिए पढ़ रहा हूँ। भड़कते क्यों? मैंने तो ऐसे ही पूछा। आजकल आपके पास मेरे लिए वक्त कहाँ होता है? और जब वक्त होता है तब आप फोन पे। ओके ठीक, रख दिया फोन। कहो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मुझे ना 7,000 रुपए चाहिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है? अकाउंट से निकाल दो 7,000 रुपया। 7,000 नहीं, 7,000, 60। 60,000 रुपया? अरे ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो? मैंने सिर्फ 60,000 मांगे, 7,00,000 नहीं मांगे। 60,000 क्या कम होते हैं क्या? अरे एक टाइम पे तो मुझे कहते थे कि मेरे पे करोड़ों खर्च कर दो, पर अब 7,000 भी ज्यादा लग रहे। ऐसे कब कहा मैंने? हाँ हाँ, पैसों की बात आती है तो आप सब कुछ भूल जाते। अच्छा ठीक है ठीक है, किस लिए चाहिए तुम्हें 60,000 रुपए? मैंने ना एक इमेज कंसल्टेंट और ट्रेनर को हायर किया उसे देने। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी इमेज कंसल्टेंट हायर करने की? क्यों, मेरी कोई इमेज नहीं है, और आप नहीं चाहते मैं अच्छी दिखूं, लोग मेरी तारीफ करें। तुम वैसे भी अच्छी ही दिखती हो, तारीफ काम की होती है, चेहरे की नहीं। अगर चेहरे से नहीं होती तो लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्यों जाते? तुम इस उम्र में मिस यूनिवर्स बनोगी? किसने कहा कि मुझे मिस यूनिवर्स बनना है? मैं खुद को बस मेंटेन करना चाहती हूँ, और उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती। लेकिन अचानक से तुम पर ये नया भूत कहाँ से सवार हो गया? अचानक नहीं, मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि खुद को फिट रखने के लिए कुछ करूं। फिट रहने के लिए 1,000 तरीके होते हैं, योगा करो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, सिर्फ पैसे वेस्ट करने से फिट नहीं हुआ जाता। कुछ वेस्ट नहीं होगा, मेरा जो ट्रेनर है ना जैकी, बहुत अच्छा है, उसे ना आपको एक दिन मिलवाऊंगी। हां नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना। क्यों? आपको पता है उसने ना मिसेस इंडिया को ट्रेन किया था। हाँ, मिसेस इंडिया होने के पहले अगर आप उसको देखते ना तो डर जाते, सच में। अरे जैकी ने उसे ना मिसेस इंडिया बनाया है, उसका ना डिवोर्स होने वाला था। कैंसिल हो गया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब छोछले छोछले। तुम जैसे 2-4 लोगों को इकट्ठा करके बेवकूफ बना रहे और अपना किचन चला रहे। नहीं नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने काफी लोगों को पूछा। सुकृति ताई है ना अपनी, उसने भी उसी से ट्रेनिंग ली है। क्या? हाँ। अच्छा तो ये आग उन्होंने लगाई है? अरे नहीं, आपने ना सुकृति ताई को अभी रिसेंटली देखा नहीं है, एकदम फिट हो गई है। खुद फिट हो जाए इंसान तभी दूसरों को फिट करने की कोशिश करता है। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुमने अगर ठान ही लिया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन आप देखना, आपको थोड़े ही दिनों में रिजल्ट नजर आ जाएगा। मुझे तो अभी से नजर आ रहा है। क्या? अब कुछ नहीं, एक महीने का वक्त है, अगर कुछ फर्क आता है तो ठीक, वरना हाँ वरना मैं खुद ही बंद करूँ। ठीक है, कल ले लेना चेक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। It's okay. अच्छा सुनिए, डिनर में क्या खाओगे? तुम जो बनाओगी खा लूंगा। नहीं नहीं, आप कहो ना, कुछ भी बना दूंगी। बना तो चुकी हो, और क्या मतलब? नहीं नहीं, देखो तुम्हें जो करना है तुम करो,
मैं निकलता हूँ, क्लिनिक के लिए देर हो रही है। हाँ। हेलो। हाँ, बोरे कहाँ है तू? मैं जी तेरे होटल के बाहर खड़ा हूँ, बुकिंग कराए के और स्टेशन जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, कैंसिल करवा दे, कैंसिल करवा दे। जो? अरे ये तेरी भाभी को सब पता चल गया है, उसने हमारी बातें सुन ली थी। अरे तो कहाँ है गाओ? वाय शक है गयो है, कुछ चक्कर जरूर है, और वो ना अपना शक दूर करने के लिए कभी भी होटल पहुंच सके। अरे बाप रे, तो अब क्या करें? अरे तो कोई दूसरी जगह ढूंढ, as simple as that। हैं? यहाँ पर जरीना तो क्या उसकी साथ पूछते भी ना पहुंच सके। ठीक है जी, मैं बुकिंग कैंसिल कराए दे तू, और बाकी बाद में जो कछु होएगा मैं तुझे फोन पे बताऊंगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। और सुन सुन यार, तू बार बार फोन ना करे। जाओ। अरे तू जल्दी समझा करे यार, बार बार तेरा फोन आएगा तो ये जरीना का शक बढ़ता जाएगा। अच्छा ठीक है। घर में कोई नहीं है। वो घर में कोई नहीं होता तो फिर ये दरवाजा कैसे खुलता? दरवाजा तो मैंने खोला है। हाँ तो इसका मतलब कोई ना कोई है घर पे। कमाल है बाबूजी के भी, अभी तो ऑफिस में थे, कहाँ चले गए? अब प्रीतो, प्रीतो, हाँ। क्यों होया, क्यों चिल्ला रहे हो? बाबूजी किथे हैं? पता नहीं, पर होया की? वो होना चाहिए, आज बाबूजी को जोशी जी के घर जाना है, उनकी माता जी से मिलने, और बाबूजी का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। नीचे गए उन्हें, वेट कर लो थोड़ी, और नहीं तो फोन कर लो उनको। बाबूजी का फोन कभी मिलता है? केड़ी कंपनी दा है? प्रीतो, कंपनी दी गल नहीं है, केयर दी गल है। केयर? छट पर आया, तू जिस रास्ते नहीं जाना है उसकी बात ना कर। मैं ते कुछ किया ही नहीं, तुसी कह जा रहे हो। ठीक है भाई, मेरी गलती है, खुश, सॉरी। की हुआ है, कोई टेंशन है? दसोगे? प्रीतो एक गल दस, वो ऐसा कोई इंसान है जिसको टेंशन ना होती हो? नहीं, पर इंसान तो मैं भी हूं ना। वो तो मैंने कब मना किया है, वो तेरे को टेंशन नहीं होती? हो रही है, तुहानू वेख वेख के हो रही है टेंशन। तो एक काम कर, मेरे को ना देख और जा, मेरे वास्ते पानी लेके आ। वो जाना यार, क्यों टेंशन दे रही है मेरे को? वक्त कौन आ गया? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आया अभी। नमस्कार जी। आप कौन? जोशी साहब घर पे हैं? अरे एक मिनट एक मिनट, किससे मिलना है? घर में कोई नहीं है। वो घर में कोई नहीं होता तो फिर ये दरवाजा कैसे खुलता? दरवाजा तो मैंने खोला है। हाँ तो इसका मतलब कोई ना कोई है घर पे, इसलिए दरवाजा खुला है। चल हट, अंदर आने। अरे कहाँ से आए हैं? मैं अपने घर से आया हूँ। तो कहाँ से? कहूँ तो मिले, कहीं नहीं मिले, इनकी शक्ल ऐसी है देखी देखी लगती है। हाँ याद आ गया, ये तो भाभी जी है। भाभी जी? और का, प्रोफेसर जोशी जी की धर्मपत्नी। ठीक कही हमने जी?